दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीए में इंटर का ग्रुप टू का जो पेपर नंबर 9 है। पेपर का पूरा नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और इसमें हम जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसकी 70 मार्क्स की आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है, वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट कोर्स का ग्रुप टू का जो पेपर नंबर 9 है, पेपर का नाम है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सर, ये जो ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसका पेपर किस तरीके से आता है, कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे? ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको आप शॉर्ट में ओएम बोल देते हो, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको आप एसएम बोल देते हो, तो ओएम के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसएम के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उनकी नॉर्मली वेक्टेज होगी, क्या कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, कितने थ्योरी क्वेश्चन होंगे? तो आज की क्लास का हमारा जो मेन पर्पज है वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस करना, कि ओएम का जो सिलेबस है, स्टडी मटेरियल हमारा, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, कौन से प्रैक्टिकल हैं, कौन से थ्योरी हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, टोटेलिटी में आपके एग्जाम में 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ओएम और एसएम दोनों के मिलाकर, जिसमें से पहले जो 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो पूछे जाएंगे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में से, और देन 6 to 9 जो 4 क्वेश्चन होंगे, 6, 7, 8, 9, वो आपसे पूछे जाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से। हमारा जो मेन टारगेट है वो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सिलेबस आज डिस्कस कर। देखो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 होंगे, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, कोई चॉइस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 की वेटेज होगी 22 मार्क्स की वेटेज होगी। सर, 22 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा? 22 मार्क्स में आपसे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में 4 चॉइस होगी, आपको उसमें से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके बताना है। 6 मैचिंग होंगे, मैच द फॉलोइंग, पार्ट ए पार्ट बी, ए को आपको बी से मैच करना है, और 6 आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा हमें बताना है क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इस तरीके से हर एक जो क्वेश्चन होगा उसकी वेटेज 1 नंबर की होगी, तो 22 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि 22 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 22 मार्क्स का, ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन होंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी क्वेश्चन होता है। इसके बाद बच गए 4 क्वेश्चन ओएम के, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ये जो 4 क्वेश्चन बच गए, हमें चारों अटेम्प्ट नहीं करने, हमें इसमें से केवल और केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2nd जो रहता है, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, 3-4 साल के जो पेपर अभी तक आए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 16 नंबर का क्वेश्चन होता है, वैसे 2, 3, 4, 5 हर एक क्वेश्चन की वेटेज 16 नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसके मेनली 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 6 नंबर का, और 10 नंबर का इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो पूरा का पूरा 16 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पार्ट कर देते हैं पार्ट ए और पार्ट बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसके भी पार्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन ये 16 का पूरा प्रैक्टिकल है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके भी पार्ट कर दिए जाते हैं ए बी सी, लेकिन ये भी 16 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल है। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल अच्छा लगता हो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, अगर वो सही है
तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। 16 नंबर का अगर क्वेश्चन है और अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही किया है 16 में से 16 नंबर, जबकि थियोरी क्वेश्चन में 16 में से 16 नंबर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल की बात करो तो सर क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी है, क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें आप 10 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट मत करो, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लो 16 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लो 16 नंबर का। अगर आप ऐसा करते हो तो सिचुएशन में 16 + 16 = 32 + 10 = 42। अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल की बात करो तो आप 42 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर पाओगे, तो आपको 28 नंबर की थ्योरी यहां पे अटेम्प्ट करनी है। 42 मार्क्स का आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो, 28 मार्क्स की आपको थ्योरी अटेम्प्ट यहां पे करनी पड़ेगी जिसमें क्वेश्चन नंबर 122 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और यहां पे आपको 6 नंबर की थ्योरी। अगर आप कहते हो सर मैं तो केवल और केवल थ्योरी अटेम्प्ट करूंगा, प्रैक्टिकल मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सिंपल सी बात है आप क्वेश्चन नंबर 1 तो 22 नंबर का अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। इसके अलावा आप पिक कर लो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और 4th और 5th में से एक तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। तो 22 मार्क्स की तो थ्योरी पहले क्वेश्चन में हो जाएगी आपकी, 16 नंबर की थ्योरी आप अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे आपको 6 नंबर की थ्योरी वहां पे मिल जाएगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पे थ्योरी की मैं बात करूं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो थ्योरी 44 मार्क्स की, 44 की थ्योरी। तो इस सिचुएशन में आपको कम से कम 26 नंबर का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर रहे हो तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल यहां से और 4 और 5 दोनों में से एक तो पिक करना ही है 16 नंबर का, तो कम से कम 26 नंबर का प्रैक्टिकल आपको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, आपको अगर थ्योरी अच्छी लगती है 44 का थ्योरी 26 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करो, अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है 42 का प्रैक्टिकल 28 की थ्योरी। मेरा सजेशन है 42 का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करो और 28 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करो। अगर आप ऐसा करते हो तो उस सिचुएशन में देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 22 मार्क्स का एमसीक्यू मैचिंग और ट्रू फॉल्स है। अगर आपका सही होगा एक में से एक नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 0 नंबर मिलेगा। यहां पे फालतू मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं है। तो अगर आपका थ्योरी सही है तो 22 में से 22 मार्क्स यहां पे आ सकते हैं। अगर मैं कहूं 42 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी सही हो जाए, 22 मार्क्स का एमसीक्यू मैचिंग और ट्रू फॉल्स भी सही हो जाए, तो 42 + 22 = 64। तो 64 मार्क्स तो ऐसे हैं जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, 6 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन मुझे ऐसा अटेम्प्ट करना पड़ रहा है जिसमें मे भी 6 में से 6 नंबर ना आए, 6 में से 4 आ जाए, 5 आ जाए। कहीं ना कहीं अगर आप ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हो कि सर 42 का प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में 6 नंबर की थ्योरी, तो कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ 68, 67, 69 तक मार्क्स यहां पे ओएम में लेकर आ सकते हो, जो कि एक बिग अचीवमेंट होती है। बाकी बचा आपका दूसरा पार्ट एसएम का। एसएम में अगर मैं बात करूं तो एसएम के टोटेलिटी में 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एसएम जो है वो पूरा का पूरा थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है। तो पूरा का पूरा थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको 6 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कंपलसरी होगा, उसमें नॉर्मली 6 एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, 6 एमसीक्यू हमें करने। 7, 8, 9 तीन जो क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वेटेज है इसकी 12 नंबर की, हर क्वेश्चन की वेटेज है और ये भी आपके थ्योरी क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का यहां पे अटेम्प्ट करना है, 12 × 2 = 24 नंबर का यहां पे अटेम्प्ट करना है, तो 30 मार्क्स का आपको एसएम अटेम्प्ट करना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं स्कोरिंग पार्ट की बात करूं तो स्कोरिंग पार्ट है पार्ट ए,
ऑपरेशन मैनेजमेंट जिसमें मैंने आपको अभी अभी एनालाइज करवाया, 70 में से आप 67-68 मार्क्स तक ला सकते हो। एसएम में अगर बात करूं जिसका थियोरी अच्छा है बेटर है, कोई इश्यू नहीं है, प्रैक्टिकल अच्छा है, फिर भी यहां पे आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर मैं कहूं 30 मार्क्स में से अगर आप 20-22 नंबर भी ले आते हो और ओएम अगर अपना अच्छा है 67-68 मार्क्स तक आते हैं तो आप इजीली 85-90 तक ओएम एंड एसएम जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स ला सकते हो, जो कि बहुत कम बच्चों के कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये था हमारा पेपर का पैटर्न। टोटेलिटी में 9 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू ओएम, लास्ट 4 क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएम। प्रैक्टिकल 42 का प्रैक्टिकल आप अटेम्प्ट कर सकते हो ओएम में, बाकी आपको कहीं ना कहीं थियोरी अटेम्प्ट करनी है। एसएम प्योर थ्योरेटिकल बेसिस पे चलेगा। ओएम क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, एसएम क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी है, ओएम में बाकी 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, एसएम में आपको बाकी 3 में से 2 अटेम्प्ट करने। दिस इज द पैटर्न ऑफ द पेपर। अभी तक हमारे इस सिलेबस के 6-7 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर चल रहा है जो मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया। फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस होंगे तो वी विल ऑफकोर्स अपडेट यू। इसके बाद सर इश्यू ये है, ये जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है 70 मार्क्स का जो पेपर है इसमें हमें कितना पढ़ना है? 70 मार्क्स में हमें इंस्टीट्यूट ने 7 स्टडी नोट्स दे दिए। इंस्टीट्यूट ने 70 मार्क्स में हमें 7 स्टडी नोट्स दे दिए और वो 7 स्टडी नोट क्या है? देखो किसी भी सब्जेक्ट में पहला जो स्टडी नोट होता है वो हमेशा आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो स्टडी नोट नंबर 1 जो है वो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हम 4 पार्ट यहां पे डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में डिफरेंसेस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, आज के टाइम पे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसका क्या फंक्शन है मॉडर्न टाइम्स में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, और फाइनली व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट या रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो सिंपल फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में 4 टॉपिक हमें यहां पे देखने हैं और ये जो पहला चैप्टर है वो आपका प्योर थियोरी चैप्टर है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनता। मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपके सिलेबस का वो है चैप्टर नंबर 2 जो कि प्रैक्टिकल है। काफी सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। स्टडी नोट नंबर 2 का नाम है ऑपरेशन प्लानिंग और इस ऑपरेशन प्लानिंग के चैप्टर में काफी सारे टॉपिक कवर किए गए। पहला डिमांड फॉरकास्टिंग, दूसरा कैपेसिटी प्लानिंग, तीसरा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। पहले पार्ट में हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्ट हमारा बिक सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैपेसिटी प्लान करते हैं कि कितनी कैपेसिटी की हमें मशीनरी वगैरह की जरूरत होगी, कितनी कैपेसिटी की हमें लेबर वगैरह मेंटेन करनी चाहिए और कितनी कैपेसिटी की हमें मार्केट में बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट। फैसिलिटी आप सिंपली प्लांट कह सकते हो कि प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, वो हम यहां पे सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करते हैं प्लानिंग, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्सेज, किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होगी, कितने मटेरियल की जरूरत होगी, रिसोर्सेज कहां से आएंगे और व्हाट आर द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अकाउंट्स डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके की प्लानिंग। और लास्ट में हमें कॉन्सेप्ट देखेंगे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जो कि आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ भी होता है, ईबीक्यू। आप सबने कॉस्ट अकाउंटिंग में
बैच कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, और बैच कॉस्टिंग के चैप्टर में हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टडी नोट है ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से आपके एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थर्ड जो स्टडी नोट होगा वो होगा हमारा डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल। और ये जो थर्ड स्टडी नोट है ये है आपका थ्योरी, पूरा का पूरा थ्योरी स्टडी नोट है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता। जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें आपसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे 5 टॉपिक्स हैं, प्रोडक्ट डिजाइन एंड सिलेक्शन, प्रोसेस प्लानिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोसेस सिलेक्शन। प्रोडक्ट की डिजाइन किस तरीके से होगी, प्रोसेस किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा उसकी प्लानिंग करना, प्रोडक्ट की लाइफ कितने साल तक होगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है प्रोडक्ट पहले इनिशियल स्टेज में होता है, देन एक बूम आता है और देन सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है मार्केट में, और लास्टली प्रोसेस का सिलेक्शन कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने की हमारे पास प्रोसेसेस है कौन सी प्रोसेस हमारे लिए बेस्ट होगी, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके हम अपनी प्रोसेस को सिलेक्ट करते हुए चले। तो दिस विल बी आवर थर्ड स्टडी नोट, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, प्योर थ्योरी चैप्टर। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 होगा आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में भी काफी सारे टॉपिक्स हैं, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से भी एग्जाम में आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आप टॉपिक देखोगे, पहले तो इंट्रोडक्शन देखोगे कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो शायद आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हो, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी एंड जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन वगैरह हम कहीं ना कहीं मेरिट ऑफ जॉब इवेल्युएशन, ये एम्प्लॉई कॉस्ट का जो चैप्टर होता है ग्रुप 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग में, वहां पे हम डिस्कस करके आते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जॉब एलोकेशन की, कि अगर हमारे पास कई जॉब्स हो और कई वर्कर्स हो तो किस वर्कर को कौन सी जॉब दी जाए ताकि कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में हम उस जॉब को कंप्लीट कर सके, उसके लिए टेक्निक है दैट इज नॉन एज असाइनमेंट टेक्निक, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम शेड्यूलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, क्विंग मॉडल पढ़ेंगे, सिमुलेशन पढ़ेंगे, लाइन बैलेंसिंग पढ़ेंगे, लीन ऑपरेशन पढ़ेंगे, जस्ट इन टाइम का जो टॉपिक है, हो सकता है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका थियोरिटिकल पार्ट पढ़ा हुआ हो, जो हमारे मटेरियल का चैप्टर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्टिंग, वहां पे जस्ट इन टाइम का हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं थियोरिटिकल बेसिस पे। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, नॉर्मली जैसे असाइनमेंट टेक्निक होती है वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी होता है, वो हमें डिस्कस करना है। और फाइनली एलपी टेक्निक, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये कुछ टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। स्टडी नोट नंबर 5 होगा आपका प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर है ये भी प्रैक्टिकल है, इसमें भी आपसे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। चैप्टर में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, केवल 3 टॉपिक कवर किए गए हैं, मेजरमेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM की फुल फॉर्म होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिक टूल्स एंड सर्टिफिकेशन, और फाइनली इसमें टॉपिक कवर किया गया है जो आप प्रोडक्ट पे आईएसओ सर्टिफिकेशन देखते हो, आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो चैप्टर नंबर 5 ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, एक छोटा चैप्टर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। 4 नंबर 6 नंबर तक का आप इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो। इसके बाद स्टडी नोट नंबर 6 होगा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें से भी एग्जाम में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, ज्यादा लेंथी चैप्टर ये भी नहीं है। इसमें भी केवल 3 टॉपिक कवर किए गए, प्रोजेक्ट प्लानिंग किस तरीके से की जाए, गांट चार्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि आप कहीं ना कहीं गांट टास्क प्लान जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में CAS 7 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एम्प्लॉई कॉस्ट के चैप्टर में भी गांट टास्क बोनस प्लान पढ़ते हो। और फाइनली हम एक टेक्निक यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज पर्ट एंड CPM। पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम रिव्यू, प्रोग्राम इवेल्युएशन, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और CPM की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो CPM एंड PERT जो है, दीज आर द टेक्निक एंड मेथड ताकि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छे से कर सके। और चैप्टर का नाम भी क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है। तो स्टडी नोट नंबर 6 विल बी द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आप एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो। और जो लास्ट आपका स्टडी नोट नंबर 7 होगा, स्टडी नोट का नाम रखा गया है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट, इसमें मेनली मेंटेनेंस की बात की गई है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किस तरीके से होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस तरीके से होना चाहिए, रूटीन मेंटेनेंस किस तरीके से होना चाहिए, अगर मशीन को रिप्लेस करनी है तो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन किस तरीके से होगा, और स्पेयर का पार्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब होता है मशीन खराब हो गई, अब मेंटेनेंस करना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब मशीन खराब ना हो उसको रोकने के लिए मेंटेनेंस करना। रूटीन मैनेजमेंट मतलब डेली जो चेकिंग आप करते हो, डेली इंस्पेक्शन होता है वो। मशीन अगर पुरानी हो गई, प्रोडक्टिविटी उसकी कम होती जा रही है, तो मशीन को रिप्लेस करने का डिसीजन लेना। और स्पेयर पार्ट जो होते हैं मशीनरी के, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए। और इसमें से भी एग्जाम में आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर 7 स्टडी नोट्स हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि 70 नंबर का पेपर है तो 10-10 नंबर के ही हर स्टडी नोट में से क्वेश्चन आते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 स्टडी नोट में से, इंस्टीट्यूट की कोशिश ये होती है कि हर एक स्टडी नोट में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। हालांकि जो मैंने 2 स्टडी नोट आपको बताए, स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 2 और स्टडी नोट नंबर 4, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी नोट है। इन 2 में से 10-10 के हिसाब से 20 नंबर की वेटेज तो बनती ही है, लेकिन मैं आपको कहूंगा 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन इन 2 स्टडी नोट में से एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो 7 स्टडी नोट्स हैं जो कि हमें 70 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं। अगर अच्छे से रीड किया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, तो हम इजीली यहां पे 65-67 तक मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। आगे सिंपल कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, केवल और केवल OM के नहीं, ऑफकोर्स मैं कॉस्ट अकाउंटिंग भी टीच करता हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी टीच करता हूं, OM भी टीच करता हूं। तो ये जो मार्क्स है वो सारे स्टूडेंट्स के हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आए होंगे, किसी के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आए होंगे, किसी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आए होंगे, तो किसी के OM में आए होंगे। दीज आर द बेस्ट मार्क्स जो कि आप भी यहां पे ग्रैप कर सकते हो। थोड़ा कॉपी कर लिया जाए बेटर है, हेडिंग पुट करो।
हेडिंग पुट करो सीएमए इंटर्न ग्रुप टू पेपर नंबर 9, पेपर का नाम ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हेडिंग पुट करो एग्जाम पैटर्न और आपके सामने जो स्लाइड है उसको एज इट इज आप कॉपी कर लो, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये आपको आपके पेपर का पैटर्न बताती है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना माइंड सेट कर सकते हो कितना मुझे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, कितना थ्योरी, कौन से चैप्टर में मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और कौन से चैप्टर पे कम कॉन्सेंट्रेट करना है। इसके बाद लिखो हेडिंग पुट करो ऑपरेशन मैनेजमेंट ब्रैकेट में 70 मार्क्स। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपके एग्जाम में 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। ब्रैकेट में पी ओ टी, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो स्टडी नोट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। पहला जो स्टडी नोट होगा हमारा दैट विल बी ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। सब पार्ट लिखो उसमें, सब पार्ट पॉइंट नंबर 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, सब पार्ट 2 प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, पॉइंट नंबर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, एंड पॉइंट नंबर 4 रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में ये लिखा हुआ होगा लेकिन फिर भी अगर आप कॉपी करोगे आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। कम से कम कॉपी करते करते वक्त माइंड में ये तो रहेगा हमें आगे जाके कुछ ये वर्डिंग्स है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशन प्लानिंग, उसमें पॉइंट नंबर 1 डिमांड फॉरकास्टिंग, पॉइंट नंबर 2 कैपेसिटी प्लानिंग, पॉइंट नंबर 3 कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, पॉइंट नंबर 4 फैसिलिटी लोकेशन, पॉइंट नंबर 5 फैसिलिटी लेआउट, पॉइंट नंबर 6 रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग, पॉइंट नंबर 7 मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, पॉइंट नंबर 7 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग, एंड पॉइंट नंबर 9 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंड फाइनली पॉइंट नंबर 10 इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ब्रैकेट में EBQ। स्टडी नोट नंबर 3 डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, पॉइंट नंबर 1 प्रोडक्ट डिजाइन, पॉइंट नंबर 2 प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन, पॉइंट नंबर 3 प्रोसेस प्लानिंग, पॉइंट नंबर 4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एंड पॉइंट नंबर 5 प्रोसेस सिलेक्शन। स्टडी नोट नंबर 4
प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। पॉइंट नंबर वन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर टू, टाइम स्टडी कॉमा वर्क स्टडी कॉमा मेथड स्टडी एंड जॉब इवेल्युएशन। पॉइंट नंबर थ्री, जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक। पॉइंट नंबर फोर, शेड्यूलिंग। पॉइंट नंबर फाइव, क्वीन मॉडल्स। पॉइंट नंबर सिक्स, सिमुलेशन। पॉइंट नंबर सेवन, लाइन बैलेंसिंग। पॉइंट नंबर एट, लीन ऑपरेशन। पॉइंट नंबर नाइन, जस्ट इन टाइम, ब्रैकेट में JIT, जिट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। पॉइंट नंबर टेन, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ये सिमिलर होता है, असाइनमेंट टेक्निक जैसे होती है वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी होता है। और पॉइंट नंबर 11, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, LP टेक्निक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट स्टडी नोट नंबर 5, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें पॉइंट नंबर 1, मेजरमेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, मेजरमेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। सेकेंड, TQM फुल फॉर्मेट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिक टूल्स एंड सर्टिफिकेशन। और थर्ड पॉइंट, ISO स्टैंडर्ड्स बेसिक्स। स्टडी नोट नंबर 6, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1, प्रोजेक्ट प्लानिंग। पॉइंट नंबर 2, गांट चार्ट्स। पॉइंट नंबर 2, गांट चार्ट्स। और पॉइंट नंबर 3, PERT एंड CPM। PERT इज द प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड CPM इज द क्रिटिकल पाथ मेथड। और लास्ट स्टडी नोट नंबर 7, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। पॉइंट नंबर 1, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पॉइंट नंबर 2, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। पॉइंट नंबर 3, रूटीन मेंटेनेंस। पॉइंट नंबर 3, रूटीन मेंटेनेंस। पॉइंट नंबर 4, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। पॉइंट नंबर 4, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव यही था कि हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है उसका सिलेबस डिस्कस करना था। तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगा कि सर 70 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन की चॉइस हमें मिल रही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी है,
लेकिन 2, 3, 4, 5 में से हमें केवल 3 क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 22 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, बाकी सभी क्वेश्चन 16-16 नंबर के होंगे, जिसमें टोटेलिटी में 42 मार्क्स का मैं प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकता हूं, बाकी मुझे कम से कम 28 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट वहां पे करनी पड़ेगी। 22 मार्क्स की कंपल्सरी थ्योरी है, 6 नंबर की एक चॉइस में थ्योरी हमें अटेम्प्ट वहां पे करनी है। एसएम 30 नंबर का पूछा जाएगा, प्योर थ्योरी है। ओएम 70 नंबर के लिए हमें 7 स्टडी नोट्स हैं जो पढ़ने हैं, जिसमें से 5 प्रैक्टिकल स्टडी नोट्स हो गए, और स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 3, ये दो स्टडी नोट जो है वो प्योर थ्योरी है, जिसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो ये था आपका ओएम का सिलेबस जो कि हमने आज डिस्कस किया। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे, ये आप सिलेबस अपने माइंड में सेट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।